बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ खूबसूरत से तीन कुर्ता डिज़ाइनिंग आइडिया शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा कुर्ता पसंद आया। ये मैंने वीडियो स्पेशल ईद के लिए रेडी की है ताकि आपको कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया मिल जाए। सबसे पहले जो मैंने ये ड्रेस रेडी किया है, इसके अंदर मैंने एंकर का थ्रेड लिया, दोनों साइडों पे सिंपल पैराशूट का धागा लगाते हुए इसको सिलाई कर लिया। और ये देखिए, मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की, इसको पहले मैंने सेम कलर से क्रॉस किया, उसके बाद स्किन कलर का धागा लिया, उसको ऊपर से क्रॉस किया और फिर ब्लैक कलर का धागा लेते हुए छोटा टांका लगाते हुए इसको क्रॉस किया। तो ये इस फ्लावर की शेप बन गई कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत सा और डिसेंट सा, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। 10 से 15 मिनट में ये रेडी होने वाला डिज़ाइन है। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके इसकी फुल डिटेल वॉच कर सकती हैं। देखिए, सेम उसी पैटर्न से मैंने जिस तरीके से ये कफ रेडी किया था ना, सेम उसी पैटर्न से मैंने पॉकेट को और ब्लैंकेट को भी सेम इसी पैटर्न से रेडी किया और सेम इसी पैटर्न से मैंने इसके बैन को भी रेडी किया। और देखिए, सेम इसी तरीके से तीन तीन पत्तियां मैंने इसकी ब्लैंकेट पे अटैच की। ये देखिए, तीन पत्तियां ही मैंने इसके बैन में अटैच की और इसके सेंटर में जो मैंने इसका रखा था मेजरमेंट, वो तकरीबन 1.25 इंच थी। दोनों साइडों पे एक एक पाँव की सिलाई लगाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक और बात शेयर करूँ कि अगर यहाँ से आप आइडिया लेना चाहती हैं तो मैंने जो एंकर का थ्रेड है वो नीचे फिरकी में और ऊपर ब्लैक कलर का धागा यूज़ किया, तो ये देखिए हल्का सा ब्लैक इफेक्ट आ रहा है। मैंने पास करके इसलिए दिखा दिया कि अगर आपको यहाँ से ये आइडिया लेना तो आप यहाँ से भी लेते हुए इसको डिज़ाइन कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए फुल जो है इसकी डिटेल डिज़ाइनिंग इस तरीके से है कि आपने इसका बैंड, पॉकेट, इसकी ब्लैंकेट और दोनों कफ रेडी करने हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कुर्ता नंबर 2 है, उसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और डिसेंट सी डिज़ाइनिंग है, जिन लोगों को बिल्कुल सिंपल पसंद है उनके लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका एक पैटर्न कट कर लिया पत्ती सी, इसको दोनों तरफ क्रॉस बनाते हुए रख लिया और इसके ऊपर सिंगल सिलाई लगाई पहले, फिर इसके एक पाँव बाहर निकालते हुए इसकी सिलाई को लगाया। तो मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने सिंपल सिलाइयाँ लगाई, इसके बाद ब्लैक कलर का धागा लिया, उसके ऊपर प्लस बनाया और वाइट कलर के धागे से इसको ऊपर क्रॉस बना दिया। तो ये बड़ी खूबसूरत सी हमारी बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन था। और इसके बाद मैंने इसको जो सिलाई किया था ना, वो सारा मैंने पैराशूट जो सिंपल ये रेशमी थ्रेड है ना, इसके साथ ही सिलाई किया। देखिए, ब्लैंकेट के ऊपर मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, सिंपल इसको सिलाइयाँ लगाई, सिंपल सिर्फ और सिर्फ वो शाइनिंग वाले थ्रेड से। इससे ये हुआ कि हमारे ड्रेस की थोड़ी सी ग्रेस बन गई। और ये देखिए, ये वाला मोटिव जो है मैंने ना ब्लैंकेट के ऊपर बनाया ना ही किसी बैन के ऊपर, सिंपल इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉकेट पे बनाया और सेम इसी पैटर्न को मैंने दोनों स्लीव्स के ऊपर ड्रा किया था। ये देखिए, इस तरीके से दोनों स्लीव्स पे सेम मैंने उसी तरीके से इसको ड्रा किया। और देखिए, इसी तरीके से मैंने इसको बैक पे भी बनाया। आप चाहे तो बैक पे इस डिज़ाइन को स्किप कर सकती हैं। थोड़ी सी ये मैंने उससे बड़ी शेप बनाई थी ताकि बैक पे ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसकी लुक थी। उसके बाद ये देखिए, फ्रंट साइड पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो यहाँ से ले सकती हैं, इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना कफ के अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी, किस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको यूनिक बनाने की कोशिश की। तो सिंपल मैंने कफ की मेजरमेंट करते हुए आगे से इस तरीके से ये बना लिया और बंद करने के बाद कुछ इसकी जो शेप है कफ की, कुछ इस तरीके से आएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइट है, तो ये देखें बंद करने के बाद थोड़ी सी इसकी जो लुक है इस तरीके से आएगी। तो ये कितना खूबसूरत सा और यूनिक सा आइडिया है। आप भी इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स लगाकर अपने बच्चों के कपड़ों को दूसरों से डिफरेंट और यूनिक बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मोटिव आपको करीब करके दिखा देती हूँ। अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहती हैं तो यहाँ से सिंपल मोटिव का और पॉकेट का भी स्क्रीन शॉट ले सकती हैं। तो ये हमारा ड्रेस नंबर 2 था। अब हम अपने नेक्स्ट ड्रेस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये ड्रेस पे थोड़ा सा हैवी वर्क मैंने किया था। आपको पता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा हैवी वर्क पसंद होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल सिंपल सा पसंद होता है। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल डिज़ाइनिंग की थी। आप इसको मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, जो मैंने इसकी पॉकेट से दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों साइडों पर मैंने इसके सिंपल एंकर का थ्रेड लिया था, सेम कलर का इसके अंदर लगाया और सेंटर में मैंने इसके चावल टांका बनाया। ये रिबन मिलता है बाजार से, इसको अंदर अटैच किया और इसके ऊपर मैंने चार चार सिलाइयाँ लगा ली। तो इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइनिंग तैयार हो गई थी। इसी पैटर्न को मैंने देखे बैन के ऊपर कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया,
सेम उसी तरीके से सिलाइयाँ लगाई एंकर की, फिर उसके अंदर चावल टांका बनाया और दोनों साइडों पे रिबन को अटैच कर लिया। और यहाँ पे भी मैंने सेम इसी तरीके से रिबन को अटैच करने के बाद ऊपर जो हमारा कपड़ा बच जाता है ना उसके ऊपर चार चार सिलाइयाँ लगाई। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसकी ब्लैंकेट को भी सेम इसी पैटर्न से अटैच किया। बिल्कुल सिंपल, जिस तरीके से कफ और पॉकेट है सेम उसी पैटर्न से हमारी, ये देखें सेम उसी पैटर्न से हमारी ये ब्लैंकेट थी। तो ये देखिए कफ की डिज़ाइनिंग डिटेल बाद में कुछ इस तरीके से है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा और सिंपल सा डिज़ाइन है। लेकिन अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए तो आपने वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसका लिंक देख सकती हैं। और आप इसके अलावा भी मज़ीद डिटेल डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल में बहुत से बॉयज़ कुर्ता डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके देखिएगा ज़रूर। और अपने बच्चों के कपड़ों को खूबसूरत और डिफरेंट और डिसेंट बनाइएगा। ईद के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशल रेडी की थी ताकि आपको थोड़े से डिज़ाइनिंग आइडिया इससे मिल जाएँ और आप भी अपने बच्चों के कपड़ों को खूबसूरत बना सकें। जो मेरी बहनें घर में अपने बच्चों के कपड़ों को सिलाई करती हैं उनके लिए स्पेशल रेडी की है ताकि वो यहाँ से देखकर अपने बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सके और यहाँ से आइडियाज़ ले सके। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाके मेरे चैनल को देखिएगा ज़रूर, विज़िट कीजिएगा और आपको बहुत से खूबसूरत और डिसेंट सिंपल भी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी और बहुत हैवी डिज़ाइनिंग भी मिल जाएगी। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा हैवी वर्क पसंद होता है, किसी को बिल्कुल सिंपल ड्रेस पसंद होती है, किसी को हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग पसंद होती है। तो आपको तमाम के तमाम आइडियाज़ मेरे चैनल से मिल जाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।